11th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी सी यूनिट, यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और आज का ये वीडियो लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 10वां वीडियो लेक्चर है, 10 का दम। जी हां, आज का वीडियो लेक्चर 10th वीडियो लेक्चर है। और फिर से एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट नया टॉपिक आगे लेके मैं बढ़ूंगा। सवाल आता है, सर अगर हमने इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं फिर से अपने उसी सेंटेंस को दोहराना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, क्योंकि इससे पहले का अगर आप नहीं देखेंगे तो इससे पहले का देखे बिना आगे का समझ कैसे आएगा। सवाल आता है, सर इससे पहले आप क्या क्या पढ़ा चुके हो? अरे बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर की अगर बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन स्पीड कॉमा कॉमा रूट मीन स्क्वायर स्पीड कॉमा कॉमा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस टॉपिक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल। आज हम फिर से एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि ऐसा पुरानी बातों से रिलेटेड तो नहीं है, बट पता हो तो और भी अच्छी बात है। आज हम करने जा रहे हैं बात एक टॉपिक की जिसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम दो चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगर समय बचा तो मैं तीसरे चीज पे भी जाऊंगा, लेकिन वो दो चीजें क्या है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और दूसरा जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बात बोल रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर फॉलो करें, और वो बात यह है कि मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में बताई हुई सारी बातों को एक बार कम से कम एक बार किताब खोल के वेरीफाई जरूर कीजिएगा। किताब खोल के कंटेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे जरूर देखिएगा, ताकि जितना मैंने पढ़ाया है या जितना मैंने बताया है उसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं वीडियो लेक्चर में आपके साथ नहीं शेयर करूंगा क्योंकि शायद उसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़कर दिमाग में बैठनी जरूर चाहिए। तो उसके लिए मेरी सजेशन है कि मेरे आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हुए टॉपिक को देखने के बाद किताब खोल के एक बार नहीं कम से कम दो बार सही या एक बार ही सही देखिए जरूर। तो सवाल आता है, सर आज हम क्या करने वाले हैं? टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या मतलब है चीज का? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम मतलब आजादी, लेकिन यहां पे चैप्टर चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम बात कर रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल की। तो अगर मैं एक कंटेनर में एक गैसियस मॉलिक्यूल को छोड़ दूं या एक कंटेनर में एक सिंगल एटम अगर रखा हुआ है तो आपको क्या लगता है, एक गैस का पार्टिकल होने के नाते क्या वो कंटेनर में एक ही जगह पड़ा रहेगा? नहीं। कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस साफ साफ ये कहती है कि सर आप कैसे भूल गए कि एक गैसियस पार्टिकल के पास बहुत अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसे अलग अलग दिशाओं में रैंडम डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव करने में मदद कर सकती है। और क्योंकि एक गैसियस पार्टिकल के पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसे रैंडम दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने में मदद कर सकती है, तो पार्टिकल खिसकता भी है और पार्टिकल घूमता भी है। जब पार्टिकल खिसकता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और जब पार्टिकल घूमता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो पार्टिकल के घूमने को हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि वो पार्टिकल अगर घूम रहा है तो कहां घूम रहा है, और अगर वो पार्टिकल खिसक रहा है तो कौन सी दिशा में खिसक रहा है। तो पार्टिकल चाहे तो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, पार्टिकल चाहे तो वाई एक्सिस में भी जा सकता है, और पार्टिकल अगर चाहे तो जेड एक्सिस में जा सकता है, और अगर वो चाहे तो एक साथ वो किसी भी दिशा में जा सकता है। जब कोई पार्टिकल सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर पाता है, सिंगल एक्सिस में या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो हम उसे कहते हैं दैट पार्टिकल हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल किस दिशा में आसानी से या मुझे कहना चाहिए आजादी से मूव कर सकता है। तो हमारा टॉपिक जो छिड़ चुका है
या मुझे कहना चाहिए कि हमारा टॉपिक जो शुरू हो चुका है उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम के इस टॉपिक का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम के इस टॉपिक का मतलब ये है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टिकल किस दिशा में या किन दिशाओं में कितनी आसानी से मूव कर सकता है, किन दिशाओं में आसानी से मूव कर सकता है, कोई भी पार्टिकल किन दिशाओं में या किस दिशा में आसानी से मूव कर सकता है। यानी दैट इज, या तो कोई पार्टिकल मूव कर पाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस में, या कोई पार्टिकल मूव कर पाएगा सिर्फ वाई एक्सिस में, और या फिर कंबाइन करके कोई पार्टिकल मूव कर पाएगा एक्स वाई प्लेन में। सही बात है भाई। अगर मैं यहां पे एक तीसरा एक्सिस बनाता हूं कि या तो कोई पार्टिकल मूव कर पाएगा अलोंग एक्स वाई जेड, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे कोई पार्टिकल मूव कर पाएगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस में मूव कर पाता है, याद करो जब हमने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो इसी टॉपिक को इस तरीके से ना पढ़कर हमने वहां पे पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल मोशन। यानी जब कोई पार्टिकल एक एक्सिस में मूव करता है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, जब कोई पार्टिकल दो एक्सिस में मूव करता है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, और जब कोई पार्टिकल तीन एक्सिस में मूव करता है तो उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। एक आसमान में हवा में उड़ने वाली पतंग, या मुझे कहना चाहिए कि एक मक्खी जो हवा में भिंग बना रही है, एक कीटाणु, एक छोटा सा मच्छर जो कमरे में उड़ रहा है, एक पक्षी जो आसमान में उड़ान भर रहा है, वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अरे मास्टर जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते, उसका जहां मन कर रहा है वो वहां जा रहा है, कभी एक्स में जा रहा है, कभी वाई में जा रहा है, कभी जेड में जा रहा है। यानी वो पूर्ण रूप से आजादी से अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा रहा है। तो व्हेनेवर एनी बॉडी और एनी पार्टिकल इज एबल टू मूव अलोंग वन सिंगल एक्सिस, देन इट इज सेड टू पोजेस one degree of freedom, but when any particle is said to move along two different axes or within the plane of two axes, एक छोटा सा दीवार पे चलने वाला कीड़ा, एक छोटा सा दीवार पे चलने वाला एक छोटा सा कीटाणु, उसका जो मोशन है फिजिक्स की भाषा में, काइनेमेटिक्स की दुनिया में हम पढ़कर आए हैं, वो टू डायमेंशनल मोशन है। और क्योंकि वो टू डायमेंशनल मोशन है तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि उसके पास टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो एक सिंगल एक्सिस, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, उसे वन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल मतलब है कि आप किस दिशा में कितनी आसानी से जा सकते हो। अगर आप एक दिशा में आसानी से जा सकते हो तो आपके पास वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर आप दो दिशाओं में आसानी से जा सकते हो तो आपके पास टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और अगर आप तीन दिशाओं में किसी भी दिशा में आसानी से जा सकते हो तो उसके पास थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एटलीस्ट आपको थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम या वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या मुझे सिंपल कहना चाहिए भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तो समझ आया ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक हम गैसियस पार्टिकल्स के साथ क्यों स्टडी कर रहे हैं। हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक को गैसियस पार्टिकल्स के साथ इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि एक कंटेनर में मौजूद गैसियस पार्टिकल्स या तो वो खिसक रहे हैं या घूम रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि उनके पास दो तरह की तो मोशन पोजेस वो करते ही करते हैं, या तो वो ट्रांसलेट कर रहे हैं या वो रोटेट कर रहे हैं। यानी उनके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है और उनके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, तो वो रोटेट भी कर सकते हैं और वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो पाए ये जरूरी नहीं है। एक बच्चा बोला ऐसा क्यों, क्योंकि इस बात का अनुमान कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे लगाया जाता है, कुछ टेक्निक्स के बेसिस पे लगाया जाता है। एक बच्चा बोला सर मतलब जैसे कि मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर सपोज कीजिए मैंने एक सिंगल गैसियस पार्टिकल बनाया,
एक सिंगल गैशियस पार्टिकल। तो एक सिंगल गैशियस पार्टिकल को मैंने यहां पे लिखा कि भैया सिंगल गैशियस पार्टिकल, सिंगल गैस का एक पार्टिकल या सिंगल गैस का पार्टिकल, या मुझे लिखना चाहिए एक सिंगल पार्टिकल, ये अपनी मर्जी से एक्स में भी जा सकता है, ये अपनी मर्जी से वाई में भी जा सकता है, ये अपनी मर्जी से जेड में भी जा सकता है। तो जहां इसका मन करेगा ये वहां जा सकता है। तो सिंगल पार्टिकल के पास, सिंगल पार्टिकल के पास, सिंगल पार्टिकल के पास होती है, सिंगल पार्टिकल के पास होती है 3 degrees of freedom, 3 degrees of freedom। यानी सर ये सिंगल पार्टिकल कौन है, आप किसका एग्जांपल ले लो, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस मतलब कि वो गैसेस जिनके पास एक ही एटम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायटॉमिक गैसेस की, बट मैं यहां पर लिख रहा हूं बट अगर हम बात करें डाई एटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल की, बट अगर हम बात करें डाई एटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल की, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। एक डाई एटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट अस से कि मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और इसी के साथ अटैच एक दूसरा पार्टिकल है। अब कायदे से अगर देखा जाए तो इसका एक्स एक्सिस ये, इसका वाई एक्सिस ये और इसका जेड एक्सिस ये, इसका एक्स एक्सिस ये, इसका वाई एक्सिस ये और इसका जेड एक्सिस ये। यानी ये पार्टिकल कहता है कि भाई साहब ये मेरा एक्स है, भाई साहब ये मेरा वाई है, भाई साहब ये मेरा जेड है। तो इसके पास टोटल 3 degrees of freedom। अब इसकी बात करें तो ये कहता है भाई साहब ये मेरा एक्स है, भाई साहब ये मेरा वाई है, भाई साहब ये मेरा जेड है। तो भाई तेरे पास भी 3 degrees of freedom, लेकिन तेरी 3 degree में से और तेरी 3 degree में से 1 degree तो तुम दोनों के बीच में कॉमन है, बोलो है या नहीं है। तो जब हम इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री काउंट करेंगे तो टोटल डिग्री या मुझे कहना चाहिए नेट डिग्री, या मुझे कहना चाहिए नेट डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल डिग्री माइनस कॉमन डिग्री। एक बच्चा बोला सर मतलब कुछ समझाने, भाई मतलब ये कि अगर एक पार्टिकल अकेला है तो वो 3 दिशाओं में जा सकता है, एक अकेले पार्टिकल की 3 degrees of freedom हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर एक अकेला पार्टिकल अकेला नहीं है, उसके साथ उसका एक साथी है, तो भैया उन दोनों को जहां भी जाना पड़ेगा साथ साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका साथी, उसका एक अहम हिस्सा है जिसे वो छोड़ नहीं सकता। मतलब मैं बात कर रहा हूं डायटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल की। तो डायटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल में एक एटम कहता है मेरी 3 degree, दूसरा कहता है तेरी अकेले की 3 degree नहीं, मेरी भी 3 degree। वो कहता है लेकिन चुप, तेरे और मेरे बीच की कोई 1 degree कॉमन है, या तो वो एक्स एक्सिस की होगी अगर हम एक्स एक्सिस पे अलाइंड है, या तो वो y एक्सिस की होगी अगर हम y एक्सिस पे लाइंड है, और या फिर वो z एक्सिस की होगी अगर हम z एक्सिस पे लाइंड है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एटम के पास 3 degree, दूसरे एटम के पास भी 3 degree, टोटल डिग्री कितनी 6, लेकिन उनके बीच में एक ऐसी डिग्री जो दोनों में 2 बार काउंट हो रही है, यानी उनके बीच में कॉमन है, उसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसे 1 बार काउंट करेंगे। यानी टोटल डिग्री में से उस कॉमन डिग्री को अगर हम माइनस कर दें, टोटल डिग्री में से अगर उस कॉमन डिग्री को हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगी उसकी फाइनल डिग्री। यानी अगर हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की हमें लग रहा है कि 2 एटम है, एक एटम की कितनी डिग्री 3 degree, तो बोलो 2 एटम की कितनी डिग्री 6 degree। तो अगर किसी भी गैस के पास n इज द नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी गैस के पास n इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो उस गैस की टोटल डिग्री n into 3 बन जाएगी, यानी 3 into n, या हम कह सकते हैं कि if a is the number of atom, मैं समझाता हूं, यहां पे मैं लिख के दिखाऊंगा, ये बहुत important बात है, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत important है। if
ए इज द, इफ ए इज द गिनती ऑफ एटम, इफ ए इज द गिनती ऑफ एटम ऑफ एनी स्पेसिफिक गैस, ऑफ एनी स्पेसिफिक गैस, ऑफ एनी स्पेसिफिक गैस, देन देन लेट एन, लेट एन बी द, लेट एन बी द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट एन बी द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब हम कह सकते हैं कि n विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय a, क्योंकि एक एटम की 3 डिग्री, तो a एटम की 3 डिग्री, बट माइनस ऑफ r, माइनस ऑफ r, व्हाट इज दिस r, दिस r इज द कॉमन डिग्री, दिस r इज द कॉमन डिग्री बिटवीन द एटम्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बार देखिए जो बात है मैंने बोर्ड पे लिखी, इसे अच्छे से घूरिए, आपको समझ आनी चाहिए कि एग्जैक्टली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि कॉमन डिग्री बिटवीन द एटम्स जो है वो माइनस हो जाएगी। अगर एटम्स के बीच में आने वाली कॉमन डिग्री माइनस हो रही है, तो कॉमन डिग्री माइनस होकर हमें फाइनल इफेक्टिव डिग्री मिलेगी। जैसे कि ये एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल में मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि भाई नंबर ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी 5। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। यस, सही सुना आपने, दिस इज द डिग्री, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बच्चे ने कहा वाओ सर, इसका मतलब एक सिंगल एटम के पास टोटल 3 डिग्री, लेकिन अगर एटम सिंगल ना हो, एटम डाई हो जाए, मतलब 2 हो जाए, तो उसके टोटल डिग्री में से कॉमन डिग्री को माइनस कर दो, तो ऐसे तो सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हां जी, आगे बढ़ता रहेगा, यानी अगर मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ साथ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात भी कर सकता हूं। तो एक बच्चे ने कहा करो ना, कोरोना से डरो ना, ये बात भी तुम हमारे साथ करो ना। बिल्कुल करूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, एक बार तो बोर्ड पे लिखी बातों को दिमाग में भरो ना, इस पे जरा नजर तो डालो ना, और पूरा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाने के बाद किताब खोल के जरूर उस बात को पढ़ो ना, तब जाके जीवन में आगे तुम बढ़ो ना, कोरोना से तुम डरो ना। चैनल पे आओ, वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जीवन में तुम आगे बढ़ो ना। बहुत हुआ ना, प्लीज ध्यान दो, बहुत हुआ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड यू ऑल टू पे अटेंशन। सो इसलिए बोर्ड पे है जो लिखा, इसे देख लीजिए, इसे घूर लीजिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि इसे मिटाकर अब मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करने जा रहा हूं। तो चलिए इसे एग्जांपल को मिटाते हैं और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, और ये सब कुछ मिटा के अब मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दो और ध्यान से देखो कि मैं क्या बता रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमने टोटल 3 बातें करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और 3 बातों में जो पहला हमारा पार्टिकल है वो हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री हम निकाल रहे हैं। दूसरा जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की, और तीसरा जो हम निकालने की कोशिश करेंगे उसे हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक गैस, और ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर भी, ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर भी 2 एग्जांपल आएंगे मेरे पास। एक एग्जांपल आएगा जिसे मैं कहूंगा लीनियर मॉलिक्यूल, जिसे मैं कहूंगा लीनियर मॉलिक्यूल, और एक जिसे मैं कहूंगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सर क्या होता है लीनियर मॉलिक्यूल और क्या होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अभी आपको सबको समझ आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का बेसिक फॉर्मूला जो हमें अपने दिमाग में बिठाना है, बेसिक फॉर्मूला जिसके आधार पे
हम ये टॉपिक कर रहे हैं बेसिक फॉर्मूला जो काम आएगा, या मुझे कहना चाहिए जो काम आता है, वो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 3a माइनस r. n इज इक्वल टू 3a माइनस r, जहां पे n का मतलब है नंबर, n का मतलब है नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ए का मतलब है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों नंबर ऑफ एटम्स, और आर का मतलब है उनके बीच के कॉमन एक्सिस. आओ तो मोनोटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा. मोनोटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल कहता है कि भाई साहब मैं हूं ऐसा, मैं जाऊं एक्स में भी, मैं जाऊं वाई में भी, मैं जाऊं जेड में भी. तो इसका मतलब कि मोनोटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल के पास होती है 3 degree of freedom. सही सुना, सही पकड़े हैं, सही समझे हैं. इसके पास होती है 3 degree of freedom मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों. आओ डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं. सो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो डायटॉमिक गैस में ये मेरे पास एक एटम ये, और इससे कुछ दूरी पर ये मेरा दूसरा एटम ये. अब इसमें ये कहता है ये भाई साहब मेरा वाई, ये कहता है भाई साहब ये मेरा एक्स, ये कहता है भाई साहब ये मेरा जेड, ये कहता है भाई साहब मेरा वाई, ये कहता है भाई साहब ये मेरा एक्स, और ये भाई साहब मेरा जेड. अरे ठीक है, यानी तेरे पास 3 degree. हाँ भाई तेरे पास 3 degree. हाँ भाई इसका मतलब टोटल एटम कितने, 2. दोनों के पास कितनी डिग्री, 3 × 2 -1, यानी 6 - 1 इज इक्वल टू 5 degree. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को समझ आना चाहिए. आओ बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल की. तो लीनियर मॉलिक्यूल ट्राइटॉमिक वाला कैसा दिखेगा, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम. ए बेटा बोल बोल बेटा तेरे पास कितनी डिग्री, मास्टर की 3. तेरे पास कितनी, मास्टर की 3. तेरे पास कितनी, मास्टर की 3. कुल मिलाकर कितनी, मास्टर जी 9. कॉमन कितनी, 2. तो मास्टर जी आंसर कितना, 7. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n इज इक्वल टू 3 × 3 - 2 कॉमन एक्सिस. तो ये बन जाएगा 9 - 2 = 7 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों एक बार नहीं मैं कहता हूं 2 बार सही है जो मैंने बोर्ड पे समझाया उसे जरा घूरो तो सही, और घूर के अपने दिमाग में बैठाओ तो सही, फिर जाके जीवन में आगे बढ़ो तो सही, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी. आइए अब बात करता हूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की. अगर बात करूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम. अब पहला एटम, दूसरा एटम और तीसरे एटम में भाई तेरे पास कितनी डिग्री, सजी 3. ए तेरे पास कितनी, सजी 3. ए तेरे पास कितनी, सजी 3. तो 3 + 3 + 3 सारी मिला के कितनी, सजी 9. कॉमन कितनी, कॉमन 1, कॉमन 2, कॉमन 3 - 3 आंसर आया 6. देखो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों एक बार नहीं मैं कहता हूं 2 बार सही जो मैंने बोर्ड पे है समझाया, जरा उसे घूरो तो सही, क्या बातें आपको सारी समझ आई कि नहीं. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों व्हाटएवर थिंग्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द बेस्ट पॉसिबल वे, प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई भी बात को समझने में टेंशन. तो बेहतर यही होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप दो इस बात पे पूरा अटेंशन, ताकि ना हो आप में से किसी बच्चे को कोई भी टेंशन. और अगर आप सब ने मेरे द्वारा बोर्ड पे लिखवाई हुई, समझाई हुई, बताई हुई, सिखाई हुई, जताई हुई सारी की सारी बातें, मतलब कि एक्सप्लेन की हुई सारी की सारी बातें रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अगर अपने दिमाग में बिठा लिया है तो समझो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है. लेकिन पता है एक बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछ डाला, क्यों हम क्यों पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाई. हम इसलिए पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से
हमें यह पता चल जाता है कि किसी भी एक गैशियस मॉलिक्यूल के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पोजेस कर सकता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि अगर किसी गैशियस पार्टिकल के पास एक सिंगल डिग्री होती है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आराम से पोजेस कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं, उसे टोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जब किसी एक पार्टिकल का मोशन उनके बीच में आने वाले कॉमन रिश्तों की वजह से थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी इफेक्ट हो जाती है। यानी पार्टिकल चाहे ट्रांसलेट कर रहा हो या पार्टिकल रोटेट कर रहा हो, अगर वो एक कंटेनर में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो प्रति डिग्री हर डिग्री को बराबर की एनर्जी मिलती है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री है तो हर डिग्री को बराबर एनर्जी मिलेगी। यस, फिजिक्स में इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला ये दूसरा टॉपिक है। सो सुनो, अच्छे से सुनो कि क्या होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अब मैं इसे मिटाकर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उसका मतलब समझाने जा रहा हूं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ की कोई डेरिवेशन एज सच हमें नहीं करनी, इसकी स्टेटमेंट ही हमें समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। इस लॉ का मतलब ही हमें समझ आ जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो समझ तो आएगा, आसान तो है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, मैं आपको लिख रहा हूं। ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है कि किसी भी, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी गैस की टोटल एनर्जी, किसी भी गैस की टोटल एनर्जी उसके पार्टिकल्स के द्वारा शो किए जाने वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वल पार्ट्स या इक्वल हिस्से से बट जाती है, या सिंपल शब्दों में कहूं दैट इज ईच डिग्री पोजेस इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि दी जाती है, विच इज गिवन बाय अ रिलेशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, विच इज गिवन बाय अ रिलेशन। एक रिलेशन है और वो रिलेशन है ½kBT। बिल्कुल सही आपने सुना, ½kBT में अगर मैं लिखूं एनर्जी का सिंबल U, तो U इज इक्वल टू ½kBT। This is the energy प्रति डिग्री ऑफ अ गैशियस मॉलिक्यूल। यानी हर एक गैशियस मॉलिक्यूल के प्रति डिग्री को ये एनर्जी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वेयर केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेंपरेचर। अब जानते हैं बच्चा फिर क्या बोल पड़ा, ठीक है ये भी क्यों पढ़ रहे हैं। अब समझ आया कि ये क्यों पढ़ रहे हैं वो अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारी मदद करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे टोटल एनर्जी किसी भी गैसियस पार्टिकल्स के पर डिग्री को बट रही है, कैसे टोटल एनर्जी किसी भी गैसियस पार्टिकल्स के प्रति डिग्री को मिल रही है। अगर एक गैसियस पार्टिकल के पास टोटल 3 डिग्री है तो उसको टोटल एनर्जी जो मिलेगी वो 3/2 kBT मिलेगी। अगर किसी गैसियस पार्टिकल के पास टोटल 4 डिग्री है तो उसको 4/2 kBT मिलेगी, 5 डिग्री है तो 5/2 kBT मिलेगी। एंड दिस इज हाउ द
the degree of freedom ka concept has been used in this chapter. Lekin ye kahani yahan khatam nahi hoti, ye kahani yahan se shuru hoti hai. सवाल ये आता है सर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और हमारे किस काम आता है? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारे और किस काम आता है, मैं वो आपको याद दिला देता हूं कि किस काम आता है. अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको फिजिक्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमने वहां पर एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. याद करो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दो तरह की हमने पढ़ी थी, एक जिसे हमने कहा था सीपी, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. याद करो, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और जब हमने सीपी और सीवी पढ़ा था, आपको याद होगा हमने पढ़ा है सीपी क्या होता है. देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी को यूज किया जाता है, इस लॉ को यूज किया जाता है, यूज किया जाता है टू डिटरमाइन, ये इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं, टू डिटरमाइन द वैल्यूज, टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, यानी अलग अलग गैसेस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज किया जाता है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. दैट इज सिंपल शब्दों में कहूं तो सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सही सुन रहे हो और बिल्कुल सही सुन रहे हो कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है. याद करो, इनके बीच में हमने रिलेशन भी पढ़ा है फिजिक्स में, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जिसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला. ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और इस मेयर फॉर्मूला को मैंने हमारे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, इसे मैंने बहुत अच्छे से मेरे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है. तो सर, ये सारी पुरानी बातें आप क्यों याद दिला रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यही लॉ हमारी मदद करेगा सीपी और सीवी को इस चैप्टर में वापस से डिराइव करने में. और साथ ही साथ एक और चीज हम निकालते हैं जिसे हम कहते हैं गामा. व्हाट इज गामा? गामा इज इक्वल टू सीपी बटा सीवी, और हम लोग डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन दिस रेशियो हम यहां पे सीखेंगे, टू डिटरमाइन द रेशियो, टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसका इस्तेमाल करके हम गामा डिटरमाइन करेंगे. और गामा भी किसके लिए डिटरमाइन करेंगे? हम डिटरमाइन करेंगे गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए. फिर हम डिटरमाइन करेंगे डाई एटॉमिक गैस के लिए, फिर हम डिटरमाइन करेंगे ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, और ट्राई एटॉमिक गैस के बाद हम डिटरमाइन करेंगे पॉली एटॉमिक गैस के लिए. यानी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ये सब के लिए हम गामा डिटरमाइन करेंगे. भाई गामा तुम क्या हो? गामा तुम रेशियो हो किस चीज का? इट इज अ रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो सर्दी कब करेंगे? क्या आज के वीडियो लेक्चर में नहीं करेंगे? मन तो कर रहा है कि करा दूं, लेकिन क्योंकि अपने आप में ये फ्रेश टॉपिक है तो सोच रहा हूं फ्रेश माइंड से ही कराओ. जी हां, मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो इसी से शुरू होगा. यहां से हम डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन द वैल्यू, और मुझे कहना चाहिए टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ये हमारे अगले वीडियो लेक्चर का टाइटल होगा और यही हमारे अगले वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट होगा, जिसके साथ मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और आपको टॉपिक का आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा.
आज के वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूंगा। मेरे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सबने अपने जीवन का कीमती वक्त दिया है, प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूले। और जो बात मैंने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में कही थी वो बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, और वो बात ये है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाई हुई सारी बातों को एक बार किताब खोल के वेरीफाई करना मत भूलिएगा, ताकि चीजें आपको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझ आए। वंस अगेन प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।